लकड़बग्गा एक विचित्र जंगली प्राणी है। वह विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलता है। उसका ठहाका बहुत प्रसिद्ध है। आमतौर पर अच्छा भोजन पाकर वह अचानक ही जोर से ठहाका लगाता है। वन विशेषज्ञ मैथ्यूज ने लिखा है, हरिद्वार के वनों में मैंने लकड़बग्गे के ठहाके बहुत सुने हैं। चांदनी रात में वनों में ये ऐसे अट्टाहास करते हैं जैसे कोई पागल आपी से बाहर होकर बार बार हंस रहा हो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कई कहों से शांत वायुमंडल गूंज उठता है। वनों में पर्यावरण की रक्षा में लकड़बग्गे का बहुत योगदान है। ये वनों के चक्कर लगाते रहते हैं। बीमारी से मरे जानवरों को शिकारी पशु नहीं खाते, परंतु ये बड़े सफाई से उन्हें चट कर जाते हैं। बाघ जाति के जानवर अपने शिकार का कुछ भाग खाते हैं और कुछ सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उस बदबूदार मांस का भक्षण लकड़बग्घे करते हैं। वन में लगे कैंपों तथा घरों से बाहर फेंकी हुई जूठन और हड्डियों के टुकड़ों को खाने के लिए ये रात में आ जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों के लिए ये आपस में खूब लड़ते हैं। इसीलिए इसे मैदानों और जंगलों की गंदगी साफ करने वाला क्रियाशील सफाई कर्मी कहा जाता है। लकड़बग्गा हड्डियां तक चट कर जाता है। इस कारण इसका मल चाक अर्थात खड़िया जैसा सफेद होता है। इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एल्बम ग्रसियम नाम से इसे गिलहड़ मस्से जैसे रोगों में प्रयोग किया जाता है। पूर्वी भारत में लकड़बग्गे की जीभ और चर्बी सूजन और रसौलियों को बिठाने के काम में लाई जाती है। अफ्रीका में इसकी चर्बी रोगग्रस्त अंगों पर मली जाती है। मिस्र में नील घाटी के लोग दीर्घायु होने के लिए इसका दिल तक खा जाते हैं। इसे मनुष्यों के लिए कई तरह से उपयोगी जीव माना गया है। लकड़बग्गे दो प्रकार के होते हैं, धारीदार और चीतला। इसे अंग्रेजी में स्टाइप्ड हाइना और स्पॉटेड हाइना कहते हैं। संस्कृत में दोनों का नाम तरक्षु है। भारतीय उपमहाद्वीप में धारीदार लकड़बग्गे जबकि अफ्रीका में चीतल लकड़बग्गे पाए जाते हैं। अफ्रीकी लकड़बग्गे जहाँ झुंड में रहती हैं, वहीं धारीदार लकड़बग्गे उनकी तरह सामाजिक जीव नहीं है। धारीदार लकड़बग्गे पूरा जीवन एक ही साथी के साथ गुजारते हैं। कुछ वर्ष पहले तो भारत में इनकी संख्या काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि अक्सर किसान इनकी वजह से मवेशियों पर जहर छिड़क दिया करते थे जिससे इनकी मौत हो जाती थी। परंतु हाल के वर्षों में संरक्षण के प्रयासों से भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में लकड़बग्गों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह परजीवी प्राणी है। इसके शक्तिशाली जबड़े होते हैं, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद यह बड़ा शिकार करने में असमर्थ है। कभी कभी बीमार और जख्मी छोटे जीवों पर हमला करता है। अफ्रीका में चोरी छिपे शिकार करने वालों के फंदों में जो जानवर फंस जाते हैं, उन्हें शिकारियों के आने से पहले ही लकड़बग्गे खाने लगते हैं। चीतला लकड़बग्गा कीट पतंगों को भी खा जाता है। टिड्डों का यह विशेष शौकीन है। जिन दिनों टिड्डी दल आते हैं वह उन्हीं से पेट भर लेता है। गर्मियों में जब तालाब सूखने लगते हैं उन्हें वहां से मछली पकड़ते हुए देखा जाता है। यह चमड़े की बनी किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। बंदूक का कवर और जूतों को भी चबा जाता है। धारीदार लकड़बग्गों की संख्या ज्यादा है, चीतल लकड़बग्गों की संख्या बहुत कम है। यह बहुत बदबूदार जानवर है। इसके शरीर से दुर्गंध आती है। कई जानवर इसका मांस खाने में हिचक महसूस करते हैं। इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर, ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तथा वजन 40 किलोग्राम तक होता है। गर्दन मोटी, अगली टांगे भारी, आंखें गहरी, जीभ खुरदरी, चौड़ा सिर इसकी पहचान है। मादा दो वर्ष में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है। एक बार में 2-3 शावक पैदा होते हैं। इसकी औसत उम्र 19 वर्ष मानी जाती है, परंतु चिड़ियाघरों में ये 25 से 30 साल तक भी जी लेती है। चिड़ियाघरों में भी ये गंदा जानवर माना जाता है। इसका बाड़ा दूर दूर तक दुर्गंध फैलाता है। पर्यटक भी इसके पास जाने से कतराते हैं।